नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा, वो आज मैं बात थोड़ी ज़्यादा करूंगा, लेकिन जो भी बातें करूंगा वो काम की होंगी, अनुभव की होंगी। अपने गुरुजनों से जितना भी थोड़ा बहुत मैं सीख पाया हूँ, उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आज का मैं ये रखूंगा टाइटल कि हमें संगीत क्यों सीखना चाहिए, हमें साकार रियाज क्यों करना चाहिए, हमें अलंकार या सरगम क्यों सीखनी है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो का फोकस इसी बात पे है कि एक मतलब आप साकार रियाज करोगे तो क्या अंतर आएगा आपकी गायकी में और बिना सीखे हुए आदमी की गायकी में। तो दोस्तों, म्यूजिक सीखने के जो फायदे हैं वो कई तरह से हैं, तो जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा वो कुछ तो म्यूजिक से रिलेटेड फायदे हैं और कुछ ऐसे फायदे हैं जो कि हर आदमी को, जो भी संगीत सुनता होगा या ढंग से सीखता होगा, उसको भी वो फायदे मिलते होंगे। तो दो प्रकार के फायदे बताऊंगा, एक तो म्यूजिक सीखने वाले के लिए फायदे और एक आम फायदे हैं। क्लासिफिकेशन में इस तरह से करूंगा, जैसे कि संगीत हमारा हमें टेंशन फ्री करता है, डिप्रेशन फ्री रखता है। यदि मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर भी बोलूंगा तो मेरी लाइफ में भी कई सारे डिप्रेशन आए हैं, लेकिन म्यूजिक ने मुझे आसानी से उन डिप्रेशन से दूर किया है। इसके अलावा म्यूजिक से ये तो सभी को पता है कि फेम भी मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, और एक बड़ी बात कि आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता है जो म्यूजिक सीखता है, सुनता है। इसके अलावा म्यूजिक से सोर्स ऑफ इनकम तो बनती ही है, और अभी रिसेंट रिसर्चेज में आपको ये भी पता चला होगा कि संगीत से कंसंट्रेशन बढ़ता है। अभी अखबारों में भी आया था कि आपको अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए, म्यूजिक हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी जो फायदे गिनाए वो तो सभी को मिलता है, लेकिन एक सिंगर को सा के रियाज से, सरगम के रियाज से, या अलंकारों के रियाज से, या क्लासिकल म्यूजिक सीख करके जो एक सिंगर को जो फायदा प्राप्त होता है, मैं आप उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसकी सिंगिंग में बहुत ज्यादा सुधार होता है, उसके कंसंट्रेशन लेवल पर बहुत ज्यादा सुधार होता है, उसकी आवाज और भी ज्यादा साफ हो जाती है, उसकी गाने की रेंज, यहाँ पर रेंज से मतलब है पूरे नीचे गाने की क्षमता, नीचे के स्वरों पे गाने की क्षमता और ऊपर के स्वरों पे गाने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैं कुछ गायकों का एग्जाम्पल दूंगा जो अच्छे सीखे हुए गुरुतुल्य लोग थे, जैसे कि श्री स्वर्गीय जगजीत सिंह जी हो गए, वो बहुत नीचे गा लेते थे, उनकी आवाज़ बड़ी मखमली मानी जाती है, नीचे के स्वरों में भी उनका रियाज बहुत अच्छा था, बहुत साफ उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे ही उस्ताद मास्टर सलीम जी हो गए, या उस्ताद राहत फतेह अली खान जी हो गए, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी हो गए, इनकी आवाज़ ऊपर के स्वरों में भी बहुत साफ और बिना टूटे भी सुनाई देती थी। इसके अलावा आवाज़ में गोलाई आती है, आप और भी अच्छी तरीके से खटके मुरकियाँ कर सकते हो, ऑर्नामेंटेशन दिखा सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हो, और आपका इम्प्रोवाइजेशन एक आम सिंगर की तुलना में बहुत अच्छा हो जाता है। देखो, इम्प्रोवाइजेशन से मेरा मतलब यहाँ पर यह है, एक नॉन सीखा हुआ बंदा यदि अच्छा गायक बन भी जाए तो जैसा उसने स्टूडियो में गाया होगा वैसे ही लाइव भी गाएगा। यहाँ पर मैं एक अंतर बताऊंगा आपको, आपने सोनू निगम जी हैं, मेरी फेवरेट सिंगर हैं, सोनू निगम जी को यदि आपने फिल्म में सुना होगा, किसी एल्बम में सुना होगा, लेकिन जब आप उनको लाइव सुनोगे तो लाइव उनको और भी बेटर होता है। ये है रियाज का कमाल, जो उन्होंने सरगम अलंकार वगैरह सीखे होंगे, जो अपने रियाज किया होगा, उसी के बदौलत जब वो स्टेज पर गाते हैं तो उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा निखर करके आती है, और उनका हर बार गाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आपने उनका अभी मुझ में कहीं बाकी सी है जिंदगी सुना होगा, तो उसमें लाइव में बिल्कुल अलग गाया हुआ और फिल्म में बिल्कुल अलग है, और कई वेरिएशंस दिखा लेते हैं, उसी को हम इम्प्रोवाइजेशन भी बोल लेते हैं। तो एक ट्रेंड सिंगर जिसने म्यूजिक सीखा होगा, अच्छा रियाज किया होगा, अलंकार राग वगैरह सीखे होंगे, तो वो एक ही लाइन को कई तरह से गा लेता है। तो ये फायदा है म्यूजिक सीखने का। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जिसने संगीत नहीं सीखा उसका गीत संगीत किसी लाइव कार्यक्रम के दौरान सफल होने के चांसेस 50-50 होते हैं, जबकि सीखे हुए कलाकार का के कार्यक्रम के सफल होने की लगभग 100% चांसेस होते हैं। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और दूंगा, सपोज कोई नहीं सीखा हुआ बंदा है, वो अपने साथी म्यूजिशियंस को नहीं समझा सकता कि वो किस किस स्केल पे गाना चाह रहा, किस कॉर्ड पे गाना चाह रहा, किस स्वर पे गाना चाह रहा, वो ढोलक तबला या रिदम सेक्शन वालों को नहीं समझा पाता है कि कौन सी ताल बजेगी या किस लय में किस टेम्पो में आपको रखना है, तो ये अंतर भी आ जाता है एक सीखे हुए और नहीं सीखे हुए बंदे का। दोस्तों, जो एक सीखा हुआ बंदा है
आप यूं समझिए कि जैसे सी या सा, जो उसका सा का रियाज बहुत अच्छा है, अलंकारों का सुरों का रियाज बहुत अच्छा है, तो आप यूं समझिए जैसे हम किसी अनजान शहर में, एक तुलना बता रहा हूँ, अनजान शहर में यदि आप बार बार किसी घर की तरफ जाते हैं, किसी के भी घर की तरफ, तो आपको वो घर याद हो जाता है। आप उस घर को, उस घर के रास्ते को कभी नहीं भूलते हैं। यदि आप आंख बंद करके भी उस रास्ते पे चलोगे तो आपको वो घर पता होता है कि मुझे इस घर में जाना है। पर यदि आप, अगर आप संगीत नहीं सीखे हुए हो, तो इसका मतलब है कि आप हर बार किसी अजनबी स्थान पर किसी अजनबी का घर ढूंढ रहे हो, बहुत दिक्कत आती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सा एक तरह से आपका घर है, जिस तरह से आप अपने घर में बार बार आते, तो आप कभी भी आ सकते हैं, अंधेरे में भी आ सकते हैं, या सपोज कोई, अगर किसी की आंखें नहीं है, उसको भी अपने घर का रास्ता अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो इतनी बार अपने घर में आ जा चुका रहता है कि उसको अपने घर का की एक एक चीजें पता होती है, एक गली, एक एक रास्ता पता होता है उसको कि मुझे किस तरह जाना है। तो इसी तरह से अगर कोई संगीत सीखा हुआ है, तो किसी ने सा का रियाज बहुत ज्यादा किया हुआ है, अलंकार पलटों का रियाज बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो उसका ना कभी स्केल बिगड़ेगा, ना आवाज खराब होगी, ना उसको कोई भटका सकता है। कोई म्यूजिशियन भी नहीं भटका सकता। इवन अगर म्यूजिशियंस कोई अलग राग भी बजाने लगे, या कोई अलग स्केल का गाना बजाने लगे, या इवन अलग ताल भी बजाने लगे, तो मुझे उम्मीद है कि एक ट्रेंड सिंगर कभी अपने मेन धुन से, मेन स्केल से नहीं भटक सकता। तो एक तरह से हमारा सा का रियाज या अलंकारों का रियाज एक तरह से बुनियाद है। जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, तो उसके ऊपर आप मकान कितना बड़ा बना लो, कितनी वैरायटी का बना लो, कितना डिजाइन वाला बना लो, लेकिन अगर बुनियाद स्ट्रांग है, तो मकान भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सा का रियाज को मैं कहूंगा कि एक तरह से आप अपने घर में, घर की बुनियाद को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसमें अच्छा सीमेंट है, अच्छा पत्थर है, खूब आपने कंक्रीट, सीमेंट या तराई भी खूब कर रखी है। तो सा का रियाज मतलब एक तरह से आप अपनी बुनियाद को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, अपने घर की बुनियाद को। तो यह है एक तरह से संगीत सीखने का फायदा। अब दोस्तों, ये फायदे गिनाना एक तरह से ऐसा है कि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद सा का रियाज, सरगम का रियाज नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। जो भी फायदे मैं गिनाने जा रहा हूँ, ये एक तरह से जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद बोलते हैं ना, कि गूंगे ने गुड़ गुड़ तो खा लिया, लेकिन आप स्वाद कैसे एक्सप्लेन करें। तो इसी तरह से सा के रियाज का क्या फायदा होगा, ये आपको मैं समझा करके भी शायद नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप तब तो समझ पाओगे जब आप खुद सा का रियाज या सरगम अलंकारों का रियाज अच्छे से करोगे, तो आप समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा था। हालांकि देखिए, मैं भी कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा रियाज मेरा भी नहीं है, लेकिन जितना भी मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर, ये जितना भी मैंने गुरुओं से सीखा है, संगीत के गुणीजनों की किताबों में जो पढ़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप सा का रियाज खूब सारा करेंगे, तो आपको खुद ही लगेगा जो मैंने भी कहा है, कि एक तरह से आपकी गायकी बहुत स्ट्रांग होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन आपका बहुत अच्छा होगा, इम्प्रोवाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा, आवाज़ बहुत गोलाई से निकलेगी, स्वर लगाव बहुत अच्छी तरह से होंगे। ये सारे बिल्कुल टेक्निकल टर्म हैं जो आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद संगीत सीखोगे, जब आप खुद सा का रियाज अच्छे से करोगे, तो आपको खुद ही अपनी आवाज़ में एक चमत्कारिक परिवर्तन लगेगा। और वॉइस मॉड्यूलेशन तो आप बहुत अच्छी तरह से करने लग जाओगे, आपका डाउन के मंद्र सप्तक का रियाज, अति मंद्र का रियाज, या अति मंद्र के शब्दों को सप्तक में भी आपकी आवाज निकलने लगेगी, ता सप्तक में ही क्या, अति तार में भी आवाज जाने लगेगी। यदि आप सा का रियाज करते हैं या आप अलंकारों का खूब रियाज करते हैं, तो आप एक ही गाने को अलग अलग वेरिएशन से गा पाएंगे। अभी दोस्तों, मैंने भी कोई बहुत ज्यादा नहीं सीखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि आवाज में गोलाई आती है, या आप इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर देते हो, एक ही गाने को आप अलग अलग अंदाज में गाना शुरू कर देते हो, तो मैं फिलहाल एक राग, यमन की एक बहुत प्रसिद्ध बंदिश है, उसको थोड़ा थोड़ा मैं गा करके बताऊंगा कि उसमें किस तरह से वेरिएशन कर लेते हैं, यदि आपने सीखा हुआ। देखो, यदि आपने नहीं सीखा हुआ, तो जैसे आपने कोई धुन सुनी हुई है, आप वैसे ही गा पाते हैं, या वैसे ही गाई जाती है। लेकिन जैसे मैंने सोनू निगम जी का उदाहरण बताया था, कि क्योंकि उनका बहुत अच्छा सीखा हुआ है, काफी अच्छा सीखा हुआ, तो जब भी लाइव गाते, तो हर बार अलग अलग वेरिएशन सुनने देखने को मिलता है। तो मैं आपको इस बंदिश में थोड़ा सा गा के बता रहा हूँ, ये बंदिश। अभी ताल पे इतना ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि वीडियो मुझे छोटा से छोटा बनाना है, तो मैं सीधा आपको गा के बता रहा हूँ, वेरिएशन करके दिखाता हूँ कि यदि आप सीखते हैं, तो इस तरह की वेरिएशन आप कर पाते हैं। एरी हाली पिया बिना, दूसरा वेरिएशन आप दिखा सकते हैं।
तीसरा वर्षन आप दिखा सकते हैं, एरी आली पिया बिना, तीसरा वर्षन आप दिखा सकते हैं, एरी आली पिया बिना। चौथा वेरिएशन आप इस तरह से दिखा सकते हैं, एरी आली पिया बिना। पांचवा वेरिएशन आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरी आली पिया बिना। तो दोस्तों ये तो थोड़ा था एक क्लासिकल की बंदिश की बात। आप फिल्मी गानों में भी इसी तरह का वेरिएशंस कर सकते हैं। यदि आपने सीखा हुआ है तो आप आपकी गायकी में खुद ही एक बात आ जाएगी, जितना आपका रियाज बढ़ेगा उतना ही आपकी वेरिएशंस वैरायटी बढ़ती रहेगी, उतनी आपकी आवाज़ की रेंज भी बढ़ती रहेगी। रेंज का मतलब मैंने बताया कि आपके नीचे के सुरों में गाने की क्षमता और ऊपर के सुरों में गाने की भी बखूबी आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कि आपको सा का रियाज क्यों करना चाहिए, अलंकारों का रियाज क्यों करना चाहिए, या आपको क्लासिकल म्यूजिक क्यों सीखना चाहिए, इसके फायदे के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि आपको मेरे इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।